नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिवम में। दोस्तों आज आपका भाई आपके लेके आ गया 2 BHK की जड़, वो भी शॉप के साथ। सही सुना आपने दोस्तों, 2 BHK की जड़ है 65 गज के अंदर शॉप के साथ। साथ में आपको शॉप भी मिल जाएगी, आप चाहे तो अपना नीचे छोटा सा अपना बिजनेस कर सकते हैं, ऊपर रह सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सी जड़ है। तो दोस्तों आपको दिखा देता हूं, इसका फ्रंट एलिवेशन आप लोग देख सकते हैं। बड़ा सा आपको यहाँ पे एंट्रेंस गेट मिल जाता है, इसके ठीक साथ में शॉप मिल जाती है। कहूँगा शॉप ओपन करके दिखा दो। दोस्तों देख सकते हैं शॉप का साइज भी काफ़ी अच्छा है, आपको स्पेसिस में शॉप मिल जाती है। शॉप का साइज जो बात करूँ लगभग 7x12 के आसपास शॉप का साइज मिल जाता है। अब ले चलता हूँ दोस्तों अंदर पार्किंग के अंदर। दोस्तों देख सकते हैं ये इसके अंदर पार्किंग बनी हुई है। पार्किंग के अंदर आप अपना गाड़ी पार्क कर सकते हैं, आपकी गाड़ी बड़ी से बड़ी गाड़ी आराम से यहाँ पे, क्रेटा हो, कोई भी गाड़ी हो, हुंडई सिटी हो, कोई भी हो, बड़ी आपकी यहाँ पे गाड़ी स्पेस में लग सकती है। और दोस्तों साथ में आपकी 1-2 बाइक भी लग जाएंगी। और आप देख सकते हैं शॉप की जो कनेक्टिविटी है वो अंदर से भी है। दोस्तों ये तो ही बात होगी अपनी पार्किंग की। पार्किंग के बाद आपको दिखाता हूँ, ये हमारा स्टेयर्स एरिया जो ऊपर के फ्लैट में जा रहा है, और ये ग्राउंड फ्लोर बना हुआ है। दोस्तों स्वागत है आपका ग्राउंड फ्लोर के अंदर। आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले आपको बढ़िया सा एक कीड़ी वॉलोपर के अंदर मिल जाता है। और दोस्तों देखिए बहुत ही कमाल का इसका वॉलोपर लग रहा है, इसकी जो हाइट है वो भी काफ़ी अच्छी है। बात करूँ फोल सीलिंग के डिजाइन, बढ़िया सा फोल सीलिंग का डिजाइन मिल जाता है। कोव लाइट्स मिल जाती है, एलईडी लाइट्स मिल जाती है इसमें, और काफ़ी अच्छा स्पेस है इसके अंदर ड्राइंग रूम के अंदर भी। इसमें 1 BHK का फ्लैट बना हुआ है ग्राउंड फ्लोर पे। इसके ठीक अब आप लोग देखते हैं तो बढ़िया सा आपको एक LCD पैनल मिल जाता है, जिसके अंदर आपका लगभग 40-45 inch का TV बड़े आराम से इंस्टॉल हो जाएगा। तो सर इसके बाद आपको दिखा रहा था हमारा एक कॉमन वॉशरूम जो काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी अच्छे से टाइल का वर्क रखा है। सैनिटरी वर्क पेंडिंग आप लोग जानते हैं, हम एंड में करा के देते हैं। एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ, ड्राइंग रूम के अंदर AC की फिटिंग आपको यहीं पर मिल जाती है। आपने कोई तौर फॉर नहीं करनी, सीधा AC जाना इंस्टॉल कर लेना है। अब ले चलता हूं दोस्तों अपने बेडरूम की ओर। दोस्तों स्वागत है आपका बेडरूम में। बेडरूम में भी आप लोग देख सकते हैं बहुत ही कमाल का एक 3D वॉलपेपर आपको इसके अंदर मिल जाता है, ग्रीन से कलर का, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। इसकी जो हाइट है काफ़ी अच्छी, जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया था, बहुत ही अच्छी आपको फोल्डिंग की डिजाइन मिल जाती है, लाइट्स मिल जाती हैं। और स्पेस की बात करें रूम की, तो लगभग आपको 10x12 का ये बेडरूम मिल रहा है, काफ़ी स्पेसिस है। इसके ठीक अपोजिट आपको इस रूम में भी आपको यहाँ पे LCD पैनल मिल जाता है, जहाँ आपका LED बड़े आराम से इंस्टॉल हो जाएगा। इसके ठीक साथ में आपको शाफ्ट मिल जाती है पूरे वेंटिलेशन के लिए, यहाँ मैं चाहो तो अपना एग्जॉस्ट फैन वगैरह आप लोग लगा सकते हैं। दोस्तों ये था इसका ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर का आपको ले चलता हूँ अपने फर्स्ट फ्लोर पे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर की ओर। दोस्तों अब आ चुके हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पे। सबसे पहले स्वागत है आपका इसके ड्राइंग रूम के अंदर। ड्राइंग रूम में आप लोग देख सकते हैं बढ़िया सा इसमें वर्क कर रखा है। इसके अंदर आप कुछ भी चाहो तो अपने डेकोरेटिव पेंटिंग या कुछ भी अपना लगा सकते हैं। ये हमने मोल्डिंग के साथ पूरा वर्क कर रखा है, साथ ही बढ़िया सा फॉल्स का डिजाइन आपको इस रूम में ही मिल जाता है। और सबसे खास बात दोस्तों इसकी टाइल देखिए, बहुत ही बढ़िया इसकी टाइल्स है, अलग ही डिफरेंट लुक है टाइल्स का। अब इसके ठीक अपोजिट आपको दिखाना चाहूंगा, तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिल जाता है बड़ी सा LCD पैनल। इसके साथ में आपको शोकेस मिल जाते हैं, यहाँ पर अपना कुछ भी दोस्तों डेकोरेटिव आइटम में कुछ भी अपना रख सकते हैं, कुछ भी अपना स्टोर कर सकते हैं। इसके ठीक साथ में यहाँ पे आपको मिल जाता है टेम्पल, ये अभी इसका काम चल रहा है, टेम्पल आपको पूरा बना के देंगे, पूरा आपको टेम्पल मिलेगा, यहाँ पे मंदिर मिलेगा। दोस्तों इसके बाद आपको इसका कॉमन वॉशरूम दिखा रहा हूँ जो फर्स्ट फ्लोर पे है। ये सेम नीचे ग्राउंड फ्लोर जैसे बना हुआ है, सेम साइज में है, पूरा टाइल का वर्क हो रखा है इसमें भी। इसके ठीक ऊपर जैसे आप देख सकते हैं नीचे था, वैसे ऊपर भी आपको इसमें AC की फिटिंग मिल जाती है। दोस्तों आपको ले चलता हूँ अपने फर्स्ट बेडरूम में। दोस्तों स्वागत आपका फर्स्ट बेडरूम में। देख सकते हैं सबसे पहले इसका 3D वॉलपेपर देखिए, बहुत ही कमाल का 3D वॉलपेपर इंस्टॉल हो रखा है। ब्राउन कलर का और व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन में देखा वॉलपेपर में, बहुत ही कमाल का लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। साथ ही देख सकते हैं इसमें फॉल्सिंग का आपको बढ़िया सा डिजाइन मिल जाता है। और ठीक वॉलपेपर का भी आप लोग देखेंगे तो आपको यहाँ पे भी एक LCD पैनल मिल जाता है, जिससे आपको 55-60 inch का TV बड़े आराम से इंस्टॉल हो जाएगा। नीचे आपको ड्रॉर्स की फैसिलिटी मिल जाती है इसमें भी। इसके ठीक साथ में दोस्तों आपको वार्डरोब मिल जाती है, देख सकते हैं फ्लोर से लेकर के लगभग 8-8.5 feet की आपको वार्डरोब मिल रही है। साथ ही साथ आपको AC फिटिंग इस रूम में मिल जाती है। दोस्तों फर्स्ट बेडरूम का आपको दिखाना चाहूँगा हमारा किचन, जो काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी बड़ा है। देख सकते हैं पूरा L टाइप में किचन बना हुआ है। किचन में अभी काम चल रहा है, पेंडिंग है, इसमें अभी ग्लास लगने बाकी है। बाकी आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छा पूरा मॉडुलर किचन आपको किचन बना के दे रहे हैं। इसमें व्हाइट कलर का पूरा स्लैब है, यहाँ पे आपको चिमनी इंस्टॉल मिलेगी, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नीचे पूरी बास्केट फैसिलिटी है। इसके ठीक साथ में आपके आपको फ्रिज का स्पेस मिल जाता है, बड़े से बड़ा फ्रिज आपका बड़े आराम से इंस्टॉल हो जाएगा, और यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा स्टोरेज मिल जाता है। दोस्तों किचन के बाद आपको दिखाना चाहूँगा हमारा सेकेंड बेडरूम। दोस्तों स्वागत है आपका सेकंड बेडरूम में। सेकंड बेडरूम में आप लोग देख सकते हैं एक ब्लैक कलर का और ग्रे कलर का बढ़िया सा आपको 3D वॉलपेपर मिल जाता है। इसके ठीक साथ में आप लोग देखेंगे तो डबल डोर का आपको वार्डरोब मिल जाती है, जो लेकिन की हाइट की बात करें तो लगभग 8.5-9 feet की आपको इसकी हाइट मिल जाती है। काफ़ी अच्छा स्पेस है बेडरूम का भी, काफ़ी अच्छा स्पेस आपको मिल जाता है बेडरूम में।
वो लोग के ठीक सामने आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसमें भी आपके गैलेक्सी पैनल हम लोग बना के दे रहे हैं। साथ ही फॉल सीलिंग देख सकते हैं, कमाल की आपको फॉल सीलिंग मिल जाती है इस रूम में। अब बात करते हैं दोस्तों वेंटिलेशन की। वेंटिलेशन देखिए एक बार, पूरे रूम में आपको बढ़िया सा वेंटिलेशन मिल जाएगा, बड़ी सी आपको विंडो मिल जाती है और आप यहाँ पे चाहो तो ग्लास को रिमूव करा के अपना विंडो ऐसे बड़े आराम से इंस्टॉल कर सकते हो। अब दिखाता हूँ इससे अटैच जो आपको बालकनी मिल रही है दोस्तों, दो वॉशरूम है इसके अंदर। ये सेकंड वॉशरूम आप लोग देख सकते हैं जो बालकनी में है, ये आपका बालकनी में पूरा वॉशरूम हो जाता है, पूरा टाइल का वर्क रखा है, सैनिटरी वर्क भी इसमें ही पेंडिंग है। अब दिखाता हूँ दोस्तों उसकी बालकनी एरिया, देखिए काफ़ी अच्छा आपको बालकनी का एरिया मिल जाता है। यहाँ पे आपको टैप का प्रोविजन मिल जाएगा, आप अपना वॉशिंग मशीन रख के आप वॉशिंग एरिया बना सकते हैं, कुछ भी अपने बालकनी का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों 65 की जड़ होने वाली है मोहन गार्डन के अंदर, द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पे, और काफ़ी बढ़िया इसका प्राइस है। प्राइस मैं इसमें मेंशन कर दूंगा, ये आप मुझे कॉल करके जान सकते हैं। अब ले चलता दोस्तों इसकी छत के ऊपर। दोस्तों आ चुके हैं इसकी छत पे, इसकी रूफ पे देख सकते हैं, रूफ के अंदर पूरे आपको टाइल्स का वर्क मिल जाता है, पूरे टाइल्स हमने बिछा रखी है इसके अंदर, काफ़ी अच्छी आपको रूफ मिल जाती है, काफ़ी स्पेशियस है। पीछे तक आप लोग देख सकते हैं इसमें काफ़ी अच्छा स्पेस मिल रहा है रूफ के अंदर, ऊपर आपको टैप की फैसिलिटी मिल जाती है। दोस्तों ये मेरी 65 की जड़ थी मोहन गार्डन के अंदर, द्वारका मोड़ के पास, द्वारका मोड़ से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे। काफ़ी अच्छा इसका प्राइस है दोस्तों, प्राइस जाने के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं। 2 BHK की जड़ थी है विद शॉप, आपको शॉप भी साथ में मिल जाती है। आप चाहो तो अपना छोटा मोटा कोई बिजनेस नीचे स्टार्ट करके अपनी शॉप में ऊपर रह सकते हैं, और पार्किंग फैसिलिटी आपको मिल जाती है। तो सारी फैसिलिटी इस जड़ के अंदर आपको मिलने वाली है। दोस्तों जल्दी आइए, जड़ को अपने बुक कराइए, इसको अपना बनाइए। मिलता है कैसी वीडियो का, तब तक के लिए नमस्कार।